तमिलनाडु के इतिहास में मदुरई का अहम स्थान है। ये वही शहर है जहां से पांड्या शासकों ने 10 से ज्यादा शताब्दियों तक राज किया और जिन्होंने इसको विश्व व्यापार मार्ग में भी मशहूर बनाया। ये वो नगर भी है जो संगम काल के इतिहास में भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। भले ही आज मदुरई इन्फोटेक और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में कितना भी मशहूर क्यों ना हो, मगर इसकी असली पहचान इसका गौरवशाली इतिहास है जो आज भी इसके मंदिरों में जीवित है, जिनमें से मशहूर है मीनाक्षी अम्मन मंदिर, जहां इतिहास और दंत कथाओं का एक अद्भुत संगम दिखाई देता है। मदुरई शहर के मध्य में वैगई नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर की बुनियाद उस तमिल परंपरा पर आधारित है जहां देवताओं के लिए एक महल समान मंदिर का निर्माण होता है और वहां के शासक उन्हीं देवताओं की ओर से राज करते हैं। यहां पर 14 अलंकृत गोपुरम, खंभों वाले हॉल, एक कमल कुंड और एक संग्रहालय है। इसकी दीवारों और छतों पर हुई चित्रकारी मदुरई में हुए पौराणिक और चमत्कारी घटनाओं को दर्शाती है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर 14 एकड़ में फैला हुआ है और इससे जुड़े अनेक पहलू हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आइए आपको इनमें से कुछ की एक दिव्य यात्रा पर ले चलते हैं। मीनाक्षी अम्मन मंदिर को मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित इस मंदिर का नाम वीरांगना देवी मीनाक्षी पर रखा गया है। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार इस देवी की नजर पूरे मदुरई को संकट से दूर रखती है। यही वजह है कि मदुरई को तुंग नगरम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वो नगर जो कभी नहीं सोता। यहाँ पर श्रद्धालु इनको और इनके जीवन साथी सुंदरेश्वर को पूजते हैं, जो भगवान शिव के कई नामों में से एक हैं। शायद मीनाक्षी अम्मन मंदिर इकलौता ऐसा शिव मंदिर होगा जहां मुख्यतः एक देवी को पूजा जाता है। इस मंदिर से जुड़े कई दंत कथाएं हैं। इनमें से एक हमें बताता है कि किसी जमाने में मदुरई एक वीरान जंगल हुआ करता था, जहां पर पूर्णिमा की एक रात को एक व्यवसायी ने इंद्र देवता को एक शिवलिंग की आराधना करते हुए देखा था। ये जानने के बाद निकट के एक स्थानीय राजा ने जंगल को साफ करके एक मंदिर की रचना की थी, जो सुंदरेश्वर या भगवान शिव को समर्पित की गई थी। माना जाता है कि ये मंदिर वर्तमान का मीनाक्षी अम्मन मंदिर है, जहां पर मीनाक्षी और सुंदरेश्वर को संजोकर रखा गया है। 13वीं शताब्दी के तमिल ग्रंथ तिरुवलयितर पुराणम के अनुसार जब पांड्या राजा मलयध्वज ने उत्तराधिकारी पुत्र की प्राप्ति के लिए एक हवन कराया, तब उसे एक 3 वर्षीय बालिका मिली जिसकी आंखें एक मीन या मछली के समान थी, जिसके कारण स्थानीय लोग उसको मीनाक्षी के नाम से पुकारने लगे थे। आगे चलकर ये एक वीरांगना राजकुमारी बनी और कई युद्धों में विजयी होने के बाद वो हिमालय तक पहुंची, जहां उन्हें भगवान शिव मिले और उन्होंने उनको अपना जीवन साथी बनाया। मदुरई वापस पहुंचने पर मलयध्वज ने मीनाक्षी को मदुरई की शासिका के तौर पर सम्मानित किया और उनकी शादी धूमधाम से मनाई गई थी। कई तमिल ग्रंथों में मीनाक्षी अम्मन मंदिर का जिक्र हमें 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान मिलता है। साथ ही साथ इसका उल्लेख हमें पाडल पेडर स्थलम में भी मिलता है। ये वो मंदिर हैं जो 6वीं और 9वीं शताब्दियों में मौजूद शैव और नयनार कवि संतों के छंदों में पाए जाते हैं। हालांकि गहन शोध करने के बावजूद मंदिर का निर्माण वर्ष आज भी एक रहस्य है, मगर ऐसा दावा किया जाता है कि इसको बनने में लगभग 120 साल लगे थे। 14वीं शताब्दी में दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मालिक कफूर ने यहाँ खूब लूटपाट मचाई, जिसका मंजर मदुरई सल्तनत के काल के दौरान भी कायम रहा। हालांकि इनका राजकाल ज्यादा वर्षों तक टिक नहीं पाया
और आगे चलकर विजयनगर और फिर नायक राजाओं ने 16वीं और 17वीं शताब्दी में वास्तुकला के ग्रंथ शिल्प शास्त्रों के आधार पर इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया और इसके वर्तमान रूप को अंजाम दिया। सन 1801 में जब मदुरई अंग्रेजों के अधीन आया, तब वहां के स्थानीय लोगों के दिल जीतने की फिराक में उन्होंने ना सिर्फ मीनाक्षी अम्मन मंदिर को दान दिए, बल्कि उसके कई त्योहारों में शरीक भी हुए। इनमें एक अंग्रेजी अधिकारी रॉस पीटर का किस्सा बहुत लोकप्रिय है। सन 1812 में मदुरई के कलेक्टर बनने के बाद एक दिन पीटर अपने घर में थे, तभी एक छोटी बच्ची उनका हाथ पकड़कर उनको घर से बाहर ले आई। पीटर घर से बाहर निकले ही थे कि अचानक से एक जोर की बिजली गिरी, जिसने उनके घर को नष्ट किया। मीनाक्षी देवी की कृपा मानकर पीटर ने मीनाक्षी अम्मन मंदिर को रूबी से जड़े सोने के कुंडे दान किए। ये कुंडे आज भी देवी को पहनाए जाते हैं जब वो एक जुलूस के दौरान घोड़े पर सवार होती है। सन 1914 के तंजोर डिवीजन गजेटियर ने पीटर पर समर्पित कुछ तमिल लोक गीत गाने का जिक्र किया है। 1950 के दशक के अंत तक स्थानीय लोगों के साथ साथ कई धनी लोग और इंजीनियर मीनाक्षी अम्मन मंदिर को इसकी खोई गरिमा वापस दिलाने के लिए एकजुट हुए और फिर 1995 में एक कुंभाभिषेकम के जरिए ये संपन्न हुआ। मंदिर का पश्चिमी गोपुरम आज तमिलनाडु के राज चिन्ह में देखा जा सकता है। आज मीनाक्षी और सुंदरेश्वर से जुड़े समारोह जो हिंदू तिथि के अनुसार चैत्र महीने, जिनमें अप्रैल और मई के महीने आते हैं, उसको देखने के लिए देश विदेश से न सिर्फ श्रद्धालु आते हैं, बल्कि YouTube और TV के जरिए दुनिया भर में लोग देखते हैं। आज मीनाक्षी अम्मन मंदिर सिर्फ मदुरई की ही पहचान नहीं, बल्कि भारत की शान का अभिन्न हिस्सा है।